प्यारे बच्चों, आपके टेस्ट शुरू हो गए हैं और ये जो टेस्ट आपके हो रहे हैं ये सभी सब्जेक्ट के होंगे, यानी कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, संस्कृत, सभी सब्जेक्ट के आपके इसी तरह से टेस्ट होंगे। और इन्हीं टेस्ट को जब आप सॉल्व करोगे, अपने सब्जेक्ट टीचर को भेजोगे, उसके बाद आपके जितने भी मार्क्स लगेंगे वो जुड़ते जाएंगे और हर हफ्ते आपका टेस्ट होगा, उसके बाद आपके मार्क्स जुड़ेंगे और उसी से आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा, उसी से आपके रिपोर्ट कार्ड भी बनेंगे। तो आपने ध्यान से टेस्ट वाली वीडियो को देखना है, अपने कॉपी में अपने हर सब्जेक्ट की अलग अलग टेस्ट वाली कॉपी बनानी है और इस वर्कशीट को उसके बाद सॉल्व करके अपने हिंदी वाले टीचर वाले ग्रुप में सेंड करना है ताकि आपके मार्क्स सही से लग सके। तो चलिए, यहाँ पर मैं हिंदी का टेस्ट है ये आपका क्लास छठी हिंदी का और आकलन यानी कि असेसमेंट वर्कशीट पहला है, ये आपका 16 अगस्त का टेस्ट रहेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, पिछले वर्कशीट में हमने क्या करा, वह चिड़िया जो कविता पढ़ी आपने, है ना, तो आपने दो तीन वर्कशीट पढ़ ली वह चिड़िया वाली, इसके आधार पर आपको कितना समझ आया, ये कविता आपको कितनी अच्छी लगी या कितना आपने समझा, कितना पढ़ा, उसी के अकॉर्डिंग ये टेस्ट है। और कैसे इस टेस्ट को करना है तो मैं वो भी आपको बताता रहूँगा। तो चलिए थोड़ा सा हम यहाँ पर इस कविता को एक बार फिर से ज़रा सा देख लेते हैं कि इस कविता में क्या कह रहे हैं। तो कविता में एक छोटी सी चिड़िया के बारे में बताया है, जो चिड़िया अपने बारे में बताती है वो कहती है कि वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। एक छोटी सी चिड़िया है, जैसे आप हो छोटे से प्यारे से बच्चे, इसी तरह से एक छोटी सी चिड़िया है जो क्या मारती है, चोंच मारती है और दूध से भरे जुंडी के दाने, जुंडी एक बाजरा अनाज है, उसके दाने क्या करती, रुचि यानी कि प्रेम से और रस से यानी कि स्वाद लेकर वो खा लेती है। छोटी सी चिड़िया है जो चोंच मारती है और दूध जैसे सफ़ेद सफ़ेद बाजरे के दाने को वो बड़े प्रेम से और स्वाद लेकर खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया, वो कैसी चिड़िया है, संतोषी है और वो कहती है कि मैं नीले पंखों वाली हूँ, मेरे पंख कैसे हैं, नीले हैं और मुझे अन्न से बहुत प्यार है, मुझे खाने से बहुत प्यार है, मुझे खाना अच्छा लगता है, इसलिए वो कहती है कि मुझे अन्न से बहुत प्यार है। आगे देखो, वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े बन बाबा की खातिर, फिर से वो चिड़िया कहती है कि वो क्या करती है, कंठ यानी कि गले को खोलकर क्या करती है, बूढ़े बन बाबा यानी कि बूढ़े जंगल, जंगल को यहाँ पर बूढ़ा इसलिए लिखा है क्योंकि वह जंगल बहुत लंबा मतलब बहुत पुराना होता है, तो उस पुराने जंगल के लिए वो कंठ खोलकर क्या करती है, रस उड़ेलकर गा लेती है, बहुत मीठा गाती है, सारा रस उड़ेल लेती है, बहुत मीठा है ना। और वो संत, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया, भाई जो बच्चे गाते हैं, गाने गाते हैं, कविताएं गाते हैं, बड़ा मीठा गाते हैं, तो वो मुँह बोले होंगे नहीं होंगे, उन्हें सब पसंद करेंगे। और वो चिड़िया कहती है कि मुझे भी सारे पसंद करते हैं क्योंकि मैं नीले पंखों वाली हूँ और मुझे विजन से बहुत प्यार है, विजन यानी कि जंगल, एकांत, तो एकांत जंगल से, सुनसान जहाँ पर रहता है वो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि गाना सुनसान यानी कि एकांत में गाया जाता है, अगर आप भीड़ भाड़ जगह पे गाना गाओगे तो आपका गाना कोई नहीं सुन पाएगा। आगे देखो, वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर, अब वो चिड़िया है वो चोंच मार करके क्या करती है, नदी का दिल टटोलती है यानी कि नदी के पानी में वो चोंच मारती है और वो जल का मोती ले जाती है, नदी के पानी से वो चोंच मारती है पानी में और एक बूंद पानी का ले जाती है जैसे वो मोती पी रही हो, क्योंकि चिड़िया क्या है, बहता पानी पीते हैं, वो स्टोर वाला रखा हुआ पानी उनको अच्छा नहीं लगता है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया है, क्योंकि वो गर्वीली है, वो रुका पानी नहीं पीती है, एटीट्यूड वाली है, वो बहता पानी ही पिएगी, नदी वाला मोती वाला पानी पिएगी, इसलिए वो कहती है मैं गर्वीली चिड़िया हूँ और मेरे पंख नीले हैं तो मुझे किससे प्यार है, नदी से प्यार है। देखो, पहले में उसे अन्न यानी कि खाने से प्यार है, दूसरे में उसे विजन यानी कि एकांत अकेला अकेले जंगल से प्यार है, सुनसान जंगल से, और तीसरे में उसे नदी से बहुत प्यार है। चलिए अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर है।
अब आपने क्या करना, देखो यहाँ पर एक सवाल दे रखा है, उसके चार ऑप्शन हैं, चारों में से एक कोई एक सही सवाल है, सही उत्तर है। देखो, चिड़िया को किससे प्यार है? अन्न से प्यार है, पानी से प्यार है, रोशनी से प्यार है, या हवा से प्यार है? तो इन चारों में से एक उत्तर बिल्कुल सही है, उसे आप लिखोगे उत्तर, और जो भी उत्तर है चाहे ए बी सी डी है उसे आप यहाँ पर लिखोगे। दूसरा है, चिड़िया के पंख किस रंग के हैं? क्या नीले हैं, पीले हैं, नीले हैं, लाल हैं, या काले? तो कैसे हैं चिड़िया के पंख, आप उसे अपने उत्तर में लिखोगे, ताकि आपको एक एक हर एक सवाल का एक एक उत्तर मार्क्स आपको मिलेगा। तीसरा सवाल है, कविता में संतोषी किसे कहा है? पंखों को कहा है, चोंच को कहा है, चिड़िया को कहा है, या अन्न को कहा है? संतोषी कौन है, पंख हैं, चोंच हैं, चिड़िया है, या अन्न है? तो जो भी इसका सही उत्तर है आप उसे उत्तर में लिखोगे। चौथा सवाल है, रुचि से रस से चिड़िया किसे खा लेती है? मटर के दाने, अनार के दाने, चने के दाने, या जुंडी के दाने? तो किस कौन से दानों को रुचि से, प्रेम से और स्वाद से खा लेती है? जो भी इसका सही उत्तर है आप उस सही उत्तर को उत्तर में लिखोगे। पांचवा है, जुंडी के दाने किससे भरे हुए हैं? दूध से भरे हैं, दही से भरे हैं, शहद से भरे हैं, या हवा से भरे हैं? किससे भरे हैं जुंडी के दाने? तो आप वहाँ पर उसका उत्तर लिखोगे। और छठा सवाल है, बड़ी शब्द का विलोम क्या होगा? क्या विलोम होगा? विलोम यानी कि उल्टा। बड़ी का उल्टा क्या होता है? मझली, लंबी, छोटी, या ऊंची? तो बड़ी का उल्टा क्या होता है? इन चारों में जो भी सही उत्तर आपको लगता है आप उसे कम अपने उत्तर में लिखोगे। और सातवां है, बहुत शब्द का अर्थ इनमें से होगा। बहुत शब्द का क्या अर्थ है? बहुत का मतलब कम होता है, बहुत का मतलब थोड़ा होता है, बहुत का मतलब अधिक होता है, या बहुत का मतलब मध्यम होता है? तो चारों में से जो भी उत्तर बहुत शब्द का अर्थ आपको लगता है आप उसे अपने उत्तर में लिखोगे। अगला सवाल है, प्यार शब्द का समानार्थी। समानार्थी मतलब पर्यायवाची, यानी कि प्यार को और क्या कहते हैं? प्रेम कहते हैं, दुराव कहते हैं, घृणा कहते हैं, या छिपाव कहते हैं? प्रेम, प्रेम का मतलब क्या होता है? तो इन चारों में से जो भी सही लग रहा है आपको अपने उत्तर में लिखोगे। और नवा सवाल है, इन शब्दों में से तत्सम शब्द को चुनकर लिखिए। चार शब्द आपको तत्सम यानी कि संस्कृत वाला, संघर्ष है, एहसास है, रुचि है, या खुद है? तो इन चारों में तत्सम शब्द कौन सा है उसे आप अपने आंसर में लिखोगे। और दसवां सवाल है, पक्षी और खग शब्द किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? पक्षी और खग किसके पर्यायवाची है? आदमी के हैं, चिड़िया के हैं, बानर के हैं, या पशु के हैं? तो चलिए, यहाँ पर ये 10 सवाल हैं आपके, जो भी आपको इसका सही उत्तर लग रहा हो आप अपने आंसर में लिखोगे और अपने सब्जेक्ट टीचर यानी कि हिंदी वाले टीचर को सेंड करोगे। तो अगर आपको इनके आंसर चाहिए, सभी सवालों के सही आंसर चाहिए, तो मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताएं, अपना नाम लिखें, अपने स्कूल का नाम लिखें कि सर मुझे आंसर बता दीजिए, तो मैं आपको आंसर वाली वीडियो ज़रूर सेंड करूँगा। चलिए, नई वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।